सोनभद्र चौपन थाना क्षेत्र के सिंदूरिया एसआर पेट्रोल पंप के पास से आज अज्ञात हथियारबंद लोगों के द्वारा पॉलिटेक्निक कॉलेज के एक छात्र को उठाने से हडकंप मच गया। स्थानीय लोगों और पॉलिटेक्निक कॉलेज के छात्रों ने सिंदूरिया मध्य प्रदेश मार्ग जाम कर दिया और जमकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। सूचना पर मौके पर पहुंचे ओपरा सीओ कृष्ण गोपाल सिंह ने वहां पहुंचकर लोगों को जानकारी दी कि जौनपुर से एसओजी की टीम ने युवक को उठाया है। युवक के ऊपर जौनपुर में विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज है। तब जाकर लोगों ने जाम खोला, पर लोगों का आरोप है कि बगैर सूचना के स्कूल जाते वक्त बच्चे को सिविल ड्रेस में आए लोगों ने प्राइवेट गाड़ी से आकर अचानक हथियार के बल पर बच्चे का अपहरण कर लिया। ना तो स्थानीय पुलिस मौजूद थी और ना ही विद्यालय प्रशासन को सूचना दी गई। वहीं छात्र ने बताया कि हम आज स्कूल नहीं गए थे, हमें स्कूल का जूनियर छात्र फोन पर जानकारी दी थी कि एक स्कॉर्पियो से तीन लोग पिस्टल लेकर उतरे और एक छात्र राहुल यादव का अपहरण कर ले गए। हम सभी स्कूली छात्रों को लेकर मौके पर पहुंचे और छात्रों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बहादुर यादव सिविल फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। मैं रूम पे था, आज कॉलेज नहीं गया था। एक लड़का फोन करता है, मेरा जूनियर, बोलता है कि सर तीन लोग आए पिस्टल दिखाते हुए, सुनील कुमार यादव, सनातन कृष्ण बहादुर यादव को एक बिना नंबर की प्लेट की कार में बैठा के उठा लेगा। कहाँ थे? कॉलेज जाते वक्त रास्ते से। किस कॉलेज से पढ़ते थे? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सोनभद्र का लड़का है, सिंदूरिया। मेरा नाम है रंजन प्रताप सिंह। रंजन प्रताप सिंह जी, मैं प्रिंसिपल इंचार्ज हूँ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक सिंदूरिया का जी। और आज एक इंसिडेंट हुआ हमारे यहाँ। हमारे यहाँ एक प्रथम वर्ष का छात्र है सुनील कुमार यादव जी, और उसे कुछ लोगों ने पेट्रोल पंप के पास करीब कॉलेज से एक किलोमीटर की दूरी पे किडनैप करने की कोशिश की। बच्चों ने हमें इन्फॉर्म किया, इसके बारे में हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था, एसपी ऑफिस को भी फ़ोन किया और ओबरा जो थाना अध्यक्ष उनसे भी बात की हमने। बाद में हम चौपन थाना में भी गए, वहाँ पे पता चला कि इसे जौनपुर पुलिस ने उठाया है, स्टूडेंट को जौनपुर पुलिस अपने साथ ले जा रही है जी। बट जौनपुर पुलिस ने हमें इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी थी जी, क्योंकि हमारे किसी स्टूडेंट को यहाँ से लेके जा रहे हैं जी, और उनका जो तरीका था वो भी गलत था। स्थानीय पुलिस ने कुछ सूचना नहीं दी आपको? नहीं, स्थानीय पुलिस ने भी कोई सूचना नहीं दी। उन्होंने किडनैपर की तरह किडनैप किया बच्चे को, ना तो वो यूनिफॉर्म में थे ना तो पुलिस की गाड़ी में आए थे, बट उनके पास असलहे थे, वो हथियार के साथ आए थे और उन्होंने बच्चे को जबरदस्ती उठा के बैन में बिठा लिया। बट पुलिस ने थाने चौपन थाने में पुलिस ने ये बताया कि वो जौनपुर पुलिस के लोग थे जो जिन्होंने उनको अरेस्ट किया है। उस बच्चे के ऊपर कोई मामला चल रहा था, इस विषय में उसको उठाया गया। हमने कंप्लेंट डालनी चाहिए वहाँ पर, तो उन्होंने कहा कि शाम को आइए, शाम को हम आपको इसकी रिसीविंग दे देंगे। और बट ये उनका जो तरीका था पुलिस का, ये कम्प्लीटली रॉन्ग था। इसके लिए हम शाम को खुद सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस के यहाँ जाकर के और जिलाधिकारी के यहाँ जाकर मिलेंगे कि इसे यहाँ के बच्चों जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें भय का माहौल है, कल इस तरह से कोई और भी आके किसी बच्चे को उठा ले, तो बच्चों में एक भय का माहौल है, तो इसको सही करना होगा। और इसके लिए किसी ना किसी पुलिस अधिकारी को कॉलेज में आकर बताना चाहिए कि ये मैटर क्या था, क्यों इस तरह से किया गया, बिना इन्फॉर्म किए किसी बच्चे को उठाया गया जो कि यूनिफॉर्म में था, कॉलेज यूनिफॉर्म में था, और दूसरे बच्चे साथ थे। दूसरे बच्चों ने जब इसका विरोध किया तो उनको हथियार के साथ डराया गया, उनको पीछे हटने पर मजबूर किया गया और जबरदस्ती लेकर उस बच्चे को ले जाया गया। स्थानीय पुलिस साथ में उन लोगों को नहीं आई थी? नहीं, कोई स्थानीय ना तो कोई यूनिफॉर्म में नहीं थे जी, जैसा कि बच्चों ने मुझे बताया। क्या इसके लिए बच्चों ने विरोध प्रदर्शन भी किया? क्या इसके लिए बच्चों ने विरोध प्रदर्शन भी किया? विरोध प्रदर्शन कुछ बच्चों ने बाद में मालूम चला, कुछ बच्चों ने बैरियर के पास विरोध प्रदर्शन किया था, फिर हम उनको समझा करके वापस ले आए। इसके आगे आप क्या करने वाले हैं? कुछ नहीं, शाम को रिसीविंग लेंगे, शाम को कंप्लेंट फिर से देंगे, उसकी कॉपी लेंगे और सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस से मिलकर बताएंगे कि ये पूरा बात क्या क्या था और ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या बच्चे के घर के लोगों को सूचना आपने दी? अभी बच्चे के घर के लोगों को हमने कोई सूचना नहीं दी है, इसके बारे में हम कल इन्फॉर्म कर देंगे, क्योंकि जो डिटेल है वो अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बच्चे का ऊपर बंद है, तो कल हम उसे घर पर इन्फॉर्म कर देंगे।